Assalamualaikum dear viewers and listener, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going presentation 10, page number 120, unit 11 and level 2. And the title of our discussion is Describing How People Do Things. Describing mean ye bayan karna how people do things, ke log mukhtalif kaam kaise karte hain. That is the use of adverb, mean adverb ka istemal is tense mein hoga. यहाँ प्रेजेंटेशन में उन्होंने बयान किया है दैट यूज एडवर्ब टू डिस्क्राइब हाउ वेल समथिंग समवन डज समथिंग. यूज एडवर्ब, आप एडवर्ब इस्तेमाल कर लो टू डिस्क्राइब हाउ वेल समवन डज समथिंग, कि कोई आदमी कितना अच्छा काम करता है, कोई काम कितना अच्छा करता है कोई आदमी. तो मतलब ये है कि एडवर्ब या मुतालिक फ़ैल एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी वर्ब के माने में इजाफा देता है कि कोई आदमी एक कोई काम कितना अच्छा करता है या कितना बुरा करता है. तो ज़्यादातर 90% द यूज़ ऑफ एडवर्ब इज़ टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. इसी तरह एडवर्ब कभी कभार एडजेक्टिव के माने में भी इजाफा करती है, इसमें सिफत के माने में भी इजाफा करता है. और सम टाइम वन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब. और बाज़ औक़ात एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के माने में भी मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं, मज़ीद चेंज लाते हैं या मज़ीद मालूमात हमें देते हैं, लिमिट्स करती है मज़ीद माने को. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एडवर्ब लिखे हैं. वेल मीन अच्छा, बैडली बुरे तरीके से, क्विकली जल्दी से, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, एंड ब्यूटिफुली आर एडवर्ब. एंड दे हैव आल्सो गिवन सम सेंटेंसेस. यू कैन आल्सो सी द सेंटेंसेस इन द बुक इन द ए नंबर. व्हाट डज ए से डियर व्यूअर्स एंड लिसनर? गुड. हाँ, Christina likes to play chess and she plays very well. Mean Christina well and very well. बहुत अच्छे खेल से चेस का गेम कर सकती है. और दूसरा पिक्चर जो है, Liz likes to sing but she doesn't sing very well. You see in the picture she sings from a book. And from a book means she doesn't sing very well. So well and very well, बहुत अच्छे नहीं गा सकती है. And the third example they have given, Adela likes to draw but she draws badly. नक्शे आप देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में नक्शे नहीं खींचे हैं, सो ड्रा बैडली. इसी तरह फोर्थ एग्जांपल में आप देख सकते हैं दैट बॉब इज़ गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, ही इज़ गोइंग टू वॉक क्विकली. तो तेज तेज चल रहा है, वॉक क्विकली, वॉकिंग करता है लेकिन कैसा, क्विकली. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, हावर्ड लाइक्स टू स्विम बट ही डजंट स्विम क्विकली, ही स्विम स्लोली. सो स्विम क्विकली और स्विम स्लोली, तेज अंदाज में तैरना और स्लो स्लो अंदाज में तैरना. और लास्ट एग्जाम्पल है, लिसा लाइक्स टू सिंग एंड शी सिंग्स ब्यूटिफुली. वो बहुत अच्छे अंदाज में सिंगिंग करता है, उसके सामने कोई कागज़ वगैरह नहीं है और ब्यूटिफुल अंदाज में सिंगिंग करता है. सो डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, यू सी दैट इन दिस एक्टिविटी वी टॉक्ड अबाउट एडवर्ब एंड द कॉमन डिफिनीशन ऑफ एडवर्ब इज दैट एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, हमको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 है नंबर में, हमने ग्रामर में डिटेल से डिस्कस किए हैं. तो एडवर्ब वही पार्ट ऑफ स्पीच है विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो किसी वर्ब के माने में इजाफा करते हैं, खासकर विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, या किसी और एडवर्ब के माने में इजाफा करते हैं. बस ग्रामेरियन डिफाइन इट दैट एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन. नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में के माने को ये मॉडिफिकेशन इसमें करते हैं, राइट. तो यहाँ हमने, लेकिन ज़्यादातर ये वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के माने में इजाफा करता है. अभी वर्ब के माने में ये कैसे इजाफा करता है, तो मैंने यहाँ एक जुमला लिखा है, बिलाल स्पीक. बिलाल यहाँ सब्जेक्ट है और स्पीक वर्ब है. बिलाल स्पीक स्लोली, तो स्पीकिंग करता है कैसे, स्लो स्लो स्पीकिंग करता है, ये स्पीकिंग के माने में वो मॉडिफिकेशन करता है. इसी तरह बिलाल स्पीक्स स्वीटली, बहुत मीठे मीठे बातें
बातें करता है बातें करता है लेकिन कैसे मीठे मीठे बिलाल स्पीक्स क्विकली जल्दी जल्दी बातें करते हैं लोग इनको आसानी से नहीं समझ पाते हैं इसी तरह बिलाल स्पीक्स फास्ट बहुत तेज आवाज से बातें करते हैं जहां भी हो तो बहुत तेज आवाज से बातें करते हैं इसी तरह बिलाल स्पीक्स नाइसली बहुत नाइस अंदाज में बातें करते हैं बिलाल स्पीक्स रूडली गुस्ताख अंदाज में बातें करते हैं बातों का अंदाज गुस्ताख है पोलाइटली शाइस्तगी से वो बातें करते हैं तो इसी तरह ये एल वाई जो आता है ये ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर जब हम बनाते हैं तो एडजेक्टिव के साथ एल वाई का इजाफा करता है इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है वो है अहमद ये ज़्यादातर यहाँ पर एडजेक्टिव के माने में इजाफा करता है फॉर एग्जांपल अहमद इज़ अ गुड पर्सन अ गुड मैन अहमद एक अच्छा इंसान है मैन और गुड मैन गुड एडजेक्टिव है लेकिन अहमद इज़ वेरी गुड मैन तो इस वेरी ने गुड के माने में मॉडिफिकेशन की है कि आदमी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है इसी तरह अहमद इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑनेस्ट है दयानतदार है लेकिन वेरी ऑनेस्ट तो इस एडवर्ब ने एडजेक्टिव के माने में मॉडिफिकेशन की है इसी तरह अहमद इज़ वेरी हेल्थी हेल्थी पर्सन हेल्थी एडजेक्टिव है लेकिन वेरी हेल्थी बहुत ज़्यादा सेहतमंद है तो एडवर्ब ने एडजेक्टिव के माने में इजाफा किया है इसी तरह अहमद इज़ वेरी टॉल टॉल है लेकिन वेरी टॉल बहुत ज़्यादा लंबा है तो ये एडजेक्टिव के माने में मज़ीद ज़ोर इसने दिया है या वेरी शॉर्ट वेरी पेड ये वेरी जो है ये एडवर्ब एडवर्ब है और इसने एडजेक्टिव के माने को तब्दील किया है इसी तरह अगर हम कहें डियर व्यूअर्स सलीम इज़ वेल सलीम अच्छा है ये वेल इज़ के माने में इजाफा करता है कि सलीम की सेहत अच्छा है लेकिन सलीम इज़ वेरी वेल बहुत अच्छा है तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को के माने में चेंज लाया है कि अच्छा है और बहुत अच्छा है वेल वेल एडवर्ब है और वेरी बी एडवर्ब है तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब के माने में मॉडिफिकेशन की है इसी तरह ही स्विम्स वेरी स्लोली वो ही स्विम्स वेरी स्लोली स्लोली भी एडवर्ब है जैसे स्पीक्स स्लोली तो वो स्लो स्विमिंग करता है स्लो स्लो लेकिन वेरी स्लोली मीन बहुत ज़्यादा स्लो अंदाज में या ही स्पीक्स वेरी स्लोली राइट तो किसी भी एडवर्ब के साथ अगर हम वेरी एडवर्ब मज़ीद शामिल कर लें तो ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के माने में मॉडिफिकेशन करता है डियर व्यूअर्स एंड लिसनर आई होप यू विल हैव लर्नड दिस ट्राई टू वॉच इट अगेन एंड ट्राई टू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वन एज वेल थैंक यू सो मच खुदा हाफिज़